दोस्तों आज हम बनाएंगे मीठे चावल, जिसको जर्दा या जर्दा पुलाव भी कहते हैं। ये खास तौर से वसंत पंचमी के दिन ज़रूर बनाते हैं। जर्दा पुलाव बनाने में वैसे तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन आज मैं आपको कुकर में बनाने का आसान तरीका बताऊंगी। ये बहुत फ्लेवरफुल बनेगा और साथ ही टेस्टी भी होगा। तो इसको आप झटपट बना सकती हैं। और इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या इसकी रेसिपी क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आप रेसिपी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूं निधि और निधि की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कटोरी बासमती चावल लिए हैं, जिनको अच्छी तरह से 2-3 बार धोकर इसको मैंने लगभग आधे घंटे के लिए रख दिया था। इसको आपको भिगोना नहीं है, केवल अच्छी तरह धोने के बाद इसको रख दें। और यहाँ पर मैंने घी लिया है, ये लगभग 3 टेबल स्पून घी है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, एक टुकड़ा दालचीनी, बड़ी या काली इलायची, 2 लौंग और 2 हरी इलायची हैं। ये 1/3 कप शुगर है, आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। ये ऑरेंज रेड कलर है जिसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले कुकर गरम करके उसमें आप घी डाल दें। जैसे ही घी मेल्ट होगा, हम उसमें सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, आप चाहें तो एक एक कर भी अलग अलग इसको फ्राई कर सकती हैं। और इसको धीमी आंच में फ्राई करें, वरना जल सकता है। तो बहुत धीमी आंच में इसको फ्राई कर लें और जैसे ही हल्का गोल्डन हो इसको आप बाहर निकाल लें। इस तरह से अब बचे हुए घी में हम मसाले डालेंगे। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। आपको ये खास तौर से ध्यान रखना है कि आपको चावल पानी में भिगो के नहीं रखना है, बल्कि अच्छी तरह से धो के पानी निथार कर रखना है आधे घंटे के लिए, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं। अब हमें इसे धीमी आंच पर ही भूनना है। आप ये देखिए, ऐसे पलटते हुए इसको चलाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मत चलाइए, नहीं तो ये चावल टूट जाएंगे। और मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि भिगोना नहीं है, क्योंकि अगर आप भिगो कर रखेंगे तो ये चावल जब आप फ्राई करेंगे ना तो वो टूटने लगते हैं, इसलिए हम पानी निथार कर ही उसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। देखिए ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं चावल, अब ये तैयार हैं। अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। शक्कर आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आधी कटोरी तक भी डालेंगे तो वो अच्छे मीठे बन जाएंगे। और जिस कटोरी से हमने चावल का नाप लिया था, उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे इसी में, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप बचा सकती हैं जो ऊपर से डेकोरेशन के काम में आएगा। इसमें ऑरेंज रेड फूड कलर मैंने डाला है, अगर आपके पास केसर हो तो केसर भी डालिए, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब इस थोड़ी देर हम रुकेंगे जिससे कि शक्कर पिघल जाए। और बस 1-1.5 मिनट में शक्कर पिघल जाती है। और इसको कुकर बंद करके आप मीडियम लो फ्लेम पर 2 सीटियां ले लें। हाई फ्लेम मत रखिए और ज़्यादा तेज आंच बिल्कुल नहीं रखिए, मीडियम लो फ्लेम रखिए और 2 सीटियां आप इसकी ले लीजिए। दूसरी सीटी आने के बाद गैस बंद कर दें और कुकर को ठंडा होने दें। इसका प्रेशर निकालें नहीं और अपने आप ठंडा होने दें। जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तब इसको खोलें। ये देखिए पुलाव मीठे चावल बहुत खिले खिले बने हुए हैं और बिल्कुल अलग अलग दाने आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है इस तरह बनाने पर। जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उसका खास ध्यान रखेंगे तो आपके चावल कभी भी खराब नहीं होंगे। इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें
और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी मुझे बताएं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।